हमारे साथ शरद बंसोड़े हैं, सोलापुर से चुनाव जीत कर आए हैं बीजेपी के टिकट पर और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को पराजित किया है। शरद भाई, जब टिकट मिला आपको तो आपको लग रहा था कि इतने बड़े नेता के खिलाफ आपको उतार दिया गया है, जीतेंगे कैसे? 2009 में भी यही लड़ाई हुई थी सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ ही। मैं 2009 का चुनाव मैंने लड़ा था और उस वक्त शिंदे साहब को 24 दिन तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बांध के रखा था और 99 के मार्जिन से शिंदे साहब लास्ट टाइम जीते थे। इस टाइम मैं 1,51,000 वोटों से ज्यादा मैंने जीत हासिल की है शिंदे साहब के खिलाफ। के पीछे वजह क्या है, नरेंद्र मोदी की लहर या जो यूपीए सरकार थी उसके कारनामे, उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो जीत की वजह बनी? सबसे तो एंटी इनकम्बेंसी कह नहीं सकते कि गृह मंत्री बनने के बाद वो कभी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आए नहीं, लोगों के कुछ काम नहीं किए। वो सोलापुर के मुख्यमंत्री रह चुके थे मगर जिस तरीके से सोलापुर का विकास करना चाहिए था वैसा उन्होंने किया नहीं है और उसी की वजह से सोलापुर की जनता ने उनको ये हार दिखाई है। और साथ में 9 तारीख को मोदी जी की लाखों की सभा हो गई थी, उसमें से एक जो लहर उठी उसमें से हमारी जीत हो